नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस वक्त बड़ी खबर ये है कि राजस्थान के कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और इस तबादले में कई आईएएस ऐसे हैं जिनको विभिन्न विभागों से जिला कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी मिली है। तो कई आईएएस जो जिला कलेक्टर थे उनको विभिन्न विभागों में जाकर के अपना कामकाज संभालना होगा। और इसी तबादला सूची में अगर बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु जो 21 अप्रैल 2021 से बाड़मेर में अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे थे उनको भरतपुर जिला कलेक्टर लगाया गया है। और बाड़मेर के जिला कलेक्टर के रूप में अब नए जो आईएएस अधिकारी आएंगे उनका नाम अरुण कुमार पुरोहित हैं। गौरतलब है कि अरुण कुमार पुरोहित वर्ष 2011 से 2013 तक बाड़मेर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। और अगर बात बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु की करें तो लोकबंधु 21 अप्रैल 2021 को बाड़मेर में जिला कलेक्टर के रूप में आए थे। उन्होंने 2 साल और 25 दिन तक बाड़मेर में सेवाएं दी। जिला कलेक्टर लोकबंधु विभिन्न सरकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट करने एवं बेहतरीन कार्य करने के संबंध में कई बार राज्य स्तर पर भी सम्मानित हो चुके हैं। और जिला कलेक्टर लोकबंधु को हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया था। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बाड़मेर में बेहतरीन सेवाएं दी और बाड़मेर के कई ऐसे काम थे जिनको लगातार उन्होंने सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय काम किया। और अगर बाड़मेर के नए जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की बात करें तो अरुण कुमार पुरोहित 1997 बैच के आरएएस अधिकारी हैं और उन्होंने वर्ष 2011 से 2013 तक बाड़मेर में एडीएम के रूप में सेवाएं दी थी। और बाड़मेर के नए जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित एक बार इसलिए भी चर्चाओं में थे क्योंकि उनकी बेटी अदिति पुरोहित और अरुण कुमार पुरोहित जोधपुर नगर निगम में दोनों एक ही विभाग में कार्य करते थे। और उस समय काफ़ी ये बात चर्चाओं में भी रही थी कि एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उनकी बेटी उनके कदमों निशान पर चलें और एक ही विभाग में बाप और बेटी आरएएस के रूप में काम करें। जोधपुर नगर निगम आयुक्त के रूप में आरएएस अरुण कुमार पुरोहित काम पदस्थापित थे तो उनकी बेटी आदिति पुरोहित उपायुक्त के रूप में जोधपुर नगर निगम में काम करती थी। अब अरुण कुमार पुरोहित प्रमोशन के बाद जिला कलेक्टर बनकर बाड़मेर में अपनी सेवाएं देंगे और राजस्थान के 60 से अधिक आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। और अगर बात बालोतरा की करें तो बालोतरा को हाल ही में जिला बनाने के लिए घोषणा की गई थी। अब वहां पर राजेंद्र विजय आईएएस जो हैं वो विशेषाधिकारी होंगे। बालोतरा जिला में जो तमाम प्रकार के कार्य हैं वो निष्पादित करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। बाड़मेर के जिला कलेक्टर अब अरुण कुमार पुरोहित होंगे और बाड़मेर के जो अभी जिला कलेक्टर हैं लोकबंधु यादव उनको भरतपुर जिला कलेक्टर के रूप में लगाया गया है। अब बाड़मेर में जो जिला कलेक्टर होंगे वो अरुण कुमार पुरोहित जो वर्ष 2011 से 2013 तक बाड़मेर में एडीएम के रूप में सेवाएं दे चुके हैं।